जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं, रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बैड न्यूज़ है। देखिए, यहाँ पे रेलवे में अब टेक्निकल सुपरवाइज़र भी ठेके पर, टेक्निकल सुपरवाइज़र यानी कि रेलवे में JE जूनियर इंजीनियर एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्ट को बोला जाता है। तो दोस्तों, जो लोग भी जूनियर इंजीनियर या सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी टेक्निकल पद पे जो नौकरी करना चाहते हैं रेलवे में और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए बुरी खबर है। आइए इसको डिटेल में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो प्रेम नारायण द्विवेदी जी जो हैं गोरखपुर के पत्रकार, उनके द्वारा ये न्यूज छापा गया है। इसको ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। देखिए, यहाँ पे रेलवे में जूनियर इंजीनियरों और सीनियर सेक्शन इंजीनियरों की जगह ठेके पर टेक्निकल सुपरवाइज़र रखे जाएंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी कि जूनियर इंजीनियर एंड सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर जो है ठेके पर जो है सुपरवाइज़र को लाया जाएगा, यानी कि JE और SSC के पोस्ट को रेलवे परमानेंट रूप से भरने के मूड में नहीं है। फिलहाल रेलवे बोर्ड ने निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए एक साल के लिए संविदा पर टेक्निकल सुपरवाइज़र रखने की अनुमति दी है। यानी कि रेलवे बोर्ड जो रिक्रूटमेंट करती है, उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि जो एक साल के लिए जो है संविदा पर टेक्निकल सुपरवाइज़र को बहाल किया जाएगा। जो लोग रेलवे में जहाँ भी निर्माण कार्य हो रहा है, चाहे रेलवे ट्रैक का एक्सटेंशन हो या फिर स्टेशन वगैरह बनाने का जो कार्य होता है, उसके सुपरविजन के लिए जो है वो काम अमूमन जो है JE और SSC यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर देखते हैं उन सारे कामों का। लेकिन अब जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, उन्होंने क्या सुझाव दिया है कि एक साल के लिए संविदा पर जो है सुपरवाइज़र को रखा जाएगा और इस बात की अनुमति भी मिल चुकी है। पूर्वोत्तर रेलवे सहित अन्य जोन अधिकतम 50 टेक्निकल सुपरवाइज़र रख सकते हैं, यानी कि हर जोन जो है 50-50 टेक्निकल सुपरवाइज़र की बहाली जो है एक साल के लिए कर सकते हैं। 3 जनवरी को बोर्ड के उपनिदेशक ए नारायण राव के जारी इस आशय के आदेश का कर्मचारी संगठन विरोध कर रहा है, यानी कि जो लेबर यूनियन होता है वो इस फरमान का विरोध कर रहा है और विरोध होना भी चाहिए। और आप क्या सोचते हैं, आने का प्रयास करेंगे? देखिए दोस्तों, वे लगातार रिक्त पदों के सापेक्ष यानी अस्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, रेलवे का यूनियन है, वह यह मांग कर रहा है कि इन पदों पर जो है अस्थायी बहाली हो। बहुत सारे पोस्ट वैकेंट है, आगे आपको मिलेगा देखने को। देखिए, आगे देखा जाए, उनका कहना है कि प्रेस बंद हो गए, कारखाने बंद होने के कगार पर हैं, स्टेशनों पर साफ सफाई, ट्रेनों की जानकारी देने के साथ टिकट भी निजी कर्मी बुक करने लगे हैं। सही बात है दोस्तों, स्टेशन पर साफ सफाई वाले लोग भी परमानेंट नहीं है, वो भी अब ठेका के माध्यम से चल रहा है, उसका ठेकेदारी हो रहा है। जो लोग टिकट बुकिंग करते हैं वो भी अब निजी हाथों में जा चुके हैं। इंजीनियरिंग विभाग ही तो बचा था, वो अभी आउटसोर्सिंग की भेंट चढ़ने लगा है। यह एक इंजीनियरिंग ही विभाग है जिसमें जो है वो ऐसा ठेके वाला काम नहीं था, अब वो भी जो है दोस्तों अब ऐसे आउटसोर्सिंग के गेट चढ़ रहा है दोस्तों। यानी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री KL गुप्ता कहते हैं कि पूर्वोत्तर रेलवे की विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत 60,000 कर्मचारियों के पद के सापेक्ष 14,329 पद रिक्त हैं। अभी दोस्तों ये सिर्फ पूर्वोत्तर रेलवे की जो बात कही जा रही है उसमें जो है 14,329 पद अभी भी खाली हैं इस प्रकार के, और इसके बाद भी नियुक्तियां नहीं हो रही है। वर्ष 2019 से 1,298 पद के सापेक्ष शुरू नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में यानी NTPC में तैनाती की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। यानी कि इस पूर्वोत्तर रेलवे में जो है 1,298 पद पर जो NTPC के बहाली का प्रक्रिया चल रहा है, जो 2019 में आया था वैकेंसी, 2019 के शुरुआती दौर में ही आया था, वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। बढ़ई माली व दफ्तरी के
पद अंतिम सांसें गिन रहे हैं। सहायक लोको पायलटों के 434, स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मियों के 120, रेलवे स्कूलों के TGT व PGT के कुल 100 पद एवं यांत्रिक कारखाना में 100 सहित लगभग 1500 पदों को सरेंडर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो दोस्तों देखिए, सरेंडर करने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि इन 1500 पदों को ही समाप्त कर दिया जा रहा है, उसके जगह पर बहाली तो छोड़ दीजिए दोस्तों, उस पद को ही बंद किया जा रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बताइए दोस्तों, क्या कारखाने में मजदूर की ज़रूरत नहीं है? क्या कारखाने में क्या जो असिस्टेंट लोको पायलट की ज़रूरत नहीं है, या टीचर TGT टीचर PGT टीचर की ज़रूरत नहीं है रेलवे स्कूलों में? तो इन सारे पदों को ख़त्म किया जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए रेलवे से हटाया जा रहा है, बहाली तो दूर की बात है। तो दोस्तों ये बहुत ही दुखद बात है। यहाँ पे इस न्यूज़ को भी देख लेते हैं। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास एवं विस्तार का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। बात सही है दोस्तों, हर जगह रेलवे का एक्सटेंशन हो रहा है, रेलवे के प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, स्टेशन बन रहे हैं, ट्रैक आगे बढ़ाया जा रहा है, जहाँ रेलवे नहीं है वहाँ उसका विस्तार किया जा रहा है। निर्माण परियोजनाओं को समय से पूर्ण करने के लिए टेक्निकल सुपरवाइजर को संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना को एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो दोस्तों न्यूज देख करके आप समझ गए होंगे कि रेलवे में क्या सब चल रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि रेलवे के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए ठेका पर जो है इंजीनियर्स की बहाली की जा रही है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए जो भी वैकेंट सीट्स हैं उसको समय पर फिलअप नहीं किया जा रहा है, वैकेंसी को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो इसका जिम्मेवार आप किसको समझते हैं? क्या ऐसी योजनाओं को, सरकार की ऐसी मानसिकता का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप क्या समझते हैं हमें कमेंट में बताने का प्रयास करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।